Come back to my channel.

इस टाइप के प्रिंट आपने देखी भी होगी काफी सेलिब्रिटी ने वेयर भी कर रखा है अगर आपको इस टाइप की चीजें लेनी है तो आप कतरन मार्केट मंगोलपुरी आ जाओ यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो है पीरागरी तो काफी इजिली आप यहाँ पहुंच जाओगे काफी अच्छी चीजें मिल जाती है यहाँ पे तो आपको फेब्रिक तो मिलेगा मिलेगा और इस टाइप की चीजें भी आपको यहाँ मिल जाएगी ड्रेसेस मैंने काफी सारे इस पहले ब्लॉग में दिखाने का ट्राई करा है इस टाइप के सूट का पूरा सेट मिल जाएगा लाइक तीन सौ का पूरा सेट था लाइक प्लाजो दुपट्टा सब कुछ थे ड्रेसेस के काफी अच्छे कलेक्शन थे काफ्तान वगैरह भी थी बहुत ही प्रति कलेक्शन था इस आंटिक पास अगर आते हो तो यहाँ से जरूर शॉप करना काफी काफ़ी अच्छे ही थी आंटी बिहेवियर वाइज भी और काफ़ी अच्छा मतलब तो लाइक उनके पास जो चीज़ें थी कलेक्शन था बहुत ही प्रिटी था फिर यहाँ पे एक अंकल बेच रहे थे लाइक हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी के से प्राइस में टॉप थे कुछ शर्ट भी था बहुत सारी चीज़ें थी मिक्स था मतलब लाइक इस टाइप की सीन थी बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब कलेक्शन थी इनके पास भी क्योंकि मेरा ये टेस्ट नहीं है मैं इस टाइप की चीज़ें नहीं पहनती बट अगर आप लोग पहनते हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन था मतलब लाइक फैब्रिक की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग टॉप जो थे उस टाइप की और ज़्यादा मैं क्रॉप वर्क भी वेयर करती हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं लेती है, सब चीज़ें बट अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ से आके आकरेस कर सकते हो इस टाइप की कुर्ती वगैरह लेनी है पूरा सेट लेना है तो आपको कतरन मार्केट में आना चाहिए और लेना चाहिए बॉयज़ के लिए भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं पे टी शर्ट शॉर्ट्स डेनिम सब कुछ मिलता है तो अब मैंने एंट्री ले लिया है तो जैसे मैं एंट्री लेंगे अभी मतलब तो यहाँ पे बगल पर एक शॉप है यहाँ पे भी आपको काफी अच्छे अच्छे टी शर्ट मिल जाएंगे शूट मिल जाएगा बहुत अच्छे प्लाजो सेट मिल जाएगा तो कतरन मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो ऐसा नहीं है किसी फैब्रिक ही परचेस कर सकते हो काफ़ी सारा चीज़ का ऑप्शन है जो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो ये वाला दुपट्टा मिल रहा था यहाँ पे सौ रुपए का दो मतलब ढाई मीटर का दुपट्टा का साइज था ये सौ रुपए का सेल कर रहे थे मतलब थोड़ा बच्चा था जो फैब्रिक उस टाइप का सौ रुपए का वो बना दिया था और उस टाइप का बेच रहे थे और ये वाला जो एक छोटा सा यहाँ पे लाइन है यहाँ पे भी आपको टॉप वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे अंदर की तरफ बिल्कुल ही पतली सी अंदर जाओगे तो ड्रेसेस वगैरह भी के पास होते हैं वो भी दिखाएंगे तो अंदर ऑलरेडी रस्ता था तो मैं अंदर नहीं गई थी अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे जैसे ये वाले सकते हो ये जैकेट्स वगैरह भी इस टाइप के मिल रहे थे आपको समर में काफी काम आएगा सॉरी समर में बोल रही विंटर में काफी काम आएगा इस टाइप के

फिर यहाँ पे एक और दूसरे टाइप का फर्स्ट शॉप है यहाँ पे आपको लड़कों के लिए टी शर्ट जैसे यहाँ पे ढेर लगा हुआ है सौ सौ रुपये का टी शर्ट मिल जाएगा टॉप मिल जाते हैं लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी प्रटी सी कलेक्शन है जैसे ये वाला शॉर्ट जो शूट का सेट है पूरा प्रॉपर इसमें जरी सी तौरा बहुत ही किया हुआ था तो ये वाला आपको दे रहे थे छे सौ रुपए में इसका प्लाजो वगैरह सब कुछ सेट था काफी प्रटी था ये वाला जैसे आपको दिख भी रहा होगा प्रटी सा है यहाँ पे टॉप भी मिल जाते हैं गर्ल के लिए इनके पास एक पिंक कलर की ड्रेस थी अभी मैं दिखाऊंगी आपको अभी आपको आगे दिख जाएगा बहुत ही प्रटी था उसमें जो मतलब फेदर्स लगे थे वो भी काफी अच्छा था जो मैं अभी सिस्टर को बुलाया मैंने उसपे पूरा सीक्वेंस का वर्क था जैसे आपको ये प्लाजो दिख रहा है वैसा ही वो ड्रेस भी था पूरा सीक्वेंस का वर्क काफी सुंदर और काफी प्रटी था मतलब लाइक और इसका प्राइस भैया आई थिंक थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड बोल रहे थे तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप जाके परचेज कर लो ये यह यहाँ पे और भी चीजें मिलती है जो मतलब अंदर रखते हैं वो आप अगर बोलोगे तो आपको दिख जाएगा और ये प्लाजो भी मिल रहा था पूरा सीक्वेंस का वर्क था और जो सीक्वेंस भी थी ना वो काफ़ी अच्छी थी मतलब लाइक क्वालिटी वाइज काफी अच्छी थी वो नहीं था कि चुभने वाला जो बिल्कुल ही रफ सा होता है वो वाला बिल्कुल भी नहीं था बहुत ही प्रटी सा था वो वाला फिर उसके बगल वाले शॉप पे गई यहाँ पे प्लाजो कुर्तीस वगैरह का पूरा ढेर लगा था सौ सौ रुपए का तो यहाँ से आपको बहुत सारे अगर आप आते हो तो यहाँ पे कॉटन कुर्ती तो आपको बहुत सारी मिलेगी प्लाजो मिल जाएगा स्कर्ट मिल जाएगा काफी चीजें होती है शॉर्ट कुर्ती भी मिल जाएगी सब जगह कभी सौ रुपए का होता है कहीं पर दो सौ रुपए का होता है सबका अलग अलग प्राइस होती है अलग अलग क्वालिटी होती है अलग अलग डिजाइन होते हैं तो काफी चीजें जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी फैब्रिक के अलावा भी मैंने फैब्रिक भी दिखाया है और बाकी सारी चीजें भी दिखाई है जो आपको पसंद आए तो आप देख सकते हो और आप भी आके यहाँ शॉपिंग कर सकते हो कतरन मार्केट तो मेरे को अच्छा लगता ही है लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता है काफी कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि आपके कतरन मार्केट की वीडियो काफ़ी अच्छी होती है तो कैसे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से आके शॉप करो काफी चीजें आपको मिलेगी जिससे आप अच्छी चीजें बना सकते हो लाइक like ड्रेसेस बना सकते हो क्योंकि फैब्रिक बहुत अच्छी होती है और आपको रेडीमेड कपड़े भी मिल जाएंगे तो ये मार्केट कुछ ऐसा दिखता है सब अपना अपना एरिया लेके अपना बेचते हैं सारा सामान तो काफी अच्छा था और उस, उस दिन भीड़ भी नहीं थी जब मैं गई थी उससे पहले तो बहुत भीड़ होती है बट मैं थोड़ा टाइम वो देख के गई थी इसलिए मैं तभी भीड़ नहीं था और तभी अच्छा रहता अगर भीड़ नहीं होती तो कम होता जाए मैं शायद मंडे गई थी इसलिए भीड़ नहीं था क्योंकि मंडे इस तरह ना मंडे पूरा बंद होता है वाला इलाका जो था तो सारे शॉप वॉप बंद होते हैं, तो इस वजह से शॉप पे इतनी भीड़ भी नहीं थी पूरा मार्केट में भीड़ नहीं थी इतनी और ये शॉप पे आपको किड्स वेयर काफी अच्छे मिल जाएंगे ब्रांडेड किड्स वेयर मिलते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हो इसमें बैग भी अटैच था इसका प्राइस आई थिंक थ्री बोल रही थी आंटी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब लाइक किड्स वेयर तो होते ही होते हैं और आपको भी अपने लिए ड्रेस चाहिए इंटरेस्टेड जो मैं आपको बोल रही थी कि ड्रेस का शॉप मिला है मुझे ये वाला शॉप काफ़ी मैंने मतलब पहले भी ये शॉप पर गई हूँ बट यहाँ पे ड्रेसेस जो अभी आ रखे हैं बहुत ही अच्छा कलेक्शन है गाइज मैंने मतलब बहुत सारे ड्रेस आपको दिखाने का ट्राई कराया जो आपको दिख जाएगा मुझे मुझे ये ब्लू वाला काफ़ी अच्छा लगा था जो मैंने परचेज भी कर लिया था वो उसका आंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ बोल रही थी जितना भी ड्रेसेस मैं अभी दिखाऊंगी आपको सारे सिक्स हंड्रेड्स रुपये और किड्स वेयर भी काफ़ी अच्छा है गाइज अगर किड्स के लिए आपको छोटे बच्चों के लिए फ्रॉक वगैरह लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो सारे ब्रांडेड होते हैं लाइक फर्स्ट क्राई वगैरह की होती है इस पर टैग भी मैंशन होता है अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो तो फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है छोटे बच्चों को मतलब तो लाइक उसको चुभेगा नहीं कुछ होगा नहीं क्योंकि सॉफ्ट फैब्रिक होती है काफ़ी कॉटन की तो मैं ड्रेसेस आपको दिखा रही हूँ जिस प्राइस यहाँ पे सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का, काफी अच्छा है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा कलेक्शन जैसा देखा भी होगा सारे जो जो भी मैंने ड्रेसेस दिखाया है दिखायाड रुपीज था तो अगर आप आते हो थोड़ा थोड़ा बार्गेन हो जाएगा ज्यादा नहीं होगा तो मैंने वो ब्लू वाला लिया था जो मैंने सबसे पहले दिखाया था अभी आपको दिख भी जाएगा बहुत सारी ड्रेसेस थी जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था बट मुझे इतना लेना नहीं था इसलिए मैंने एक पे ही फोकस करा अगर आपको लेना है, तो आप यहाँ से आके ले सकते हो जो आपको अच्छी लगी वो चीज आप यहाँ से ले सकते हो और भी कलेक्शन आती रहती है आंटी कह रही थी कि और भी आती रहती है तो अगर आप आना चाहो तो आप आके ले सकते हो होगा तो ये सब आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको वीडियो के में भी समझ आ रहा होगा कि कौन सा शॉप है कहाँ पर मैंने एंटर करा है क्योंकि काफी इजीली मतलब दिखा भी रही हूं मैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने ये देखा था शॉप फिर उसके बगल में ये यहाँ पे फैब्रिक की शॉप थी जहां से आप फैब्रिक लेके काफी प्रसिटी ड्रेसेस बना सकते हो जैसे मैं पहले भी वीडियो में बोलती रहती हूँ कि अगर आप बस कोई इमेज है तो आप उसको रखो और वही इमेज लेके मार्केट में घूमो तभी आपको समझ आएगा नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि किस टाइप की आपको फैब्रिक लेनी है फैब्रिक आपको यहाँ पे एक से एक मिलेगा और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे फैब्रिक आपको साठ रुपए मीटर ही मिल जाएंगे ये सारे फैब्रिक काफी एक्सपेंसिव होते हैं लाइक सिक्स हंड्रेड तो ऐसा मत सोचना कि आपको सस्ता मिल जाएगा सारा फैब्रिक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता साठ रुपए अस्सी रुपए मीटर भी होते हैं बट फैब्रिक की क्वालिटी अलग होती है मतलब कोई प्लेन होता है ऐसे जॉर्ज में प्रिंट होती है उस टाइप की होती है लाइक सौ रुपए मीटर बट अगर आप इस टाइप की फैब्रिक लेने आ रहे हो तो ये एक्सपेंसिव है तो ये मैं सोच के आना कि ये भी आपको सस्ता मिल जाएगा फिर मुझे जो यहाँ पे मिला फुटवेयर यहाँ पे सारे फ्लैट्स भी थे हील भी थी सारा सौ सौ का था मतलब नॉर्मल फ्लैट्स लेनी है हील्स लेनी है इस टाइप के सारे सैंडल्स वगैरह सब कुछ थे वो सारा सौ सौ का तो ये अंकल बहुत ही मैं जब मैं आती हूँ कभी नहीं रहते कभी रहते तो इनका ऐसा सीन चलता है बट अगर आपको लेना है इस टाइप की चीजें अगर आपको चप्पल इस टाइप के खरीद फुटवेयर तो आप यहाँ से ले सकते हो काफी अच्छे कलेक्शन होते है। हैं लास्ट टाइम मेरी सिस्टर ने यहाँ से एक परचेज करा था पिंक कलर का अब वो काफी चला था सौ का था बट वो बहुत चला मतलब एक अच्छी थी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि टूट गया हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ अच्छा खासा चला था वो वाला तो अब बहुत अच्छी है उसके ही बगल में फिर यहाँ पे होम डेकोर के आइटम भी बेचे थे वो मैं आपको दिखाऊंगी उससे पहले आप यहाँ पे आ जाओ ज्वेलरी के लिए अगर आप इस टाइप की ज्वेलरी की तलाश में हो तो आपको कथरल मार्केट में ये सारी चीज़ें भी मिल जाएगी इनके पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के भी बैंगल्स वगैरह थे और गोल्ड ज्वेलरी के भी थे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे सेट्स वगैरह सब कुछ थे प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छी थी और इसके ही बगल में वहाँ पे सबको दिख रहा होगा हैंड वॉश वगैरह है तो वहाँ पर भी किचन के सारे सामान का शॉप है बहुत ही प्रटी कलेक्शन होते हैं उनके पास जो आपको दिख जाएगा आगे की वीडियो में तब तक के लिए आप ये देखो जो कड़े थे जो टेम्पल वाली नेक पीसेस होती है वो भी अवेलेबल थे कड़े वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी थी प्राइस वगैरह बहुत अच्छा था थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है यहाँ पे तो ये इस शॉप के पास लगाते हैं अगर आपको आना है तो आप यहाँ पे आके परचेस कर सकते हो फिर मैं बगल में चली गई थी वो किचन का सारा सामान देखने के लिए इनके पास काफी क्यूट क्यूट से डब्बे हैं टीशू वाला है मतलब स्टैंड है बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको बॉल मिल जाएगा यहाँ पे आपको प्लेट्स मिल जाएंगे इस टाइप के लंच बॉक्स चाहिए वो भी मिल जाएगा प्राइस वगैरह मतलब लाइक जिस टाइप की दिख रही है उस टाइप का प्राइस था किसी का हंड्रेड किसी का टू किसी का थे थ्री और जो नमकीन वाला बहुत अच्छा जो मैं आपको दिखाऊंगी वो 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 थाउजेंड रुपीज़ी इस टाइप का था ये सही आपको कांच वाला बॉटल दिख रहा है ये सौ रुपये का एक था प्लेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे ये वाले जो मैं देख रही हूँ स्टैंड वाला चार बॉक्स वाला होता है उसका प्राइस था एलेवन हंड्रेड किसी का थाउजेंड था किसी का एट हंड्रेड किसी का सिक्स हंड्रेड इस टाइप के थे साइजेस में था कि दो था तो उसका कम था फिर वो चार वाले थे तो वैसे थे तो शॉप नंबर ही मैंने आपको दिखा दिया वन थर्टी एट तो अगर आपको लेना है तो आप इस टाइप की चीज़ें आके यहाँ से ले सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी वो दिख भी रहा होगा मतलब प्रटी कलेक्शन थे आप यहाँ पे आके ले सकते हो और ये वाला जो बैग मैं देख रही हूँ इसका प्राइस सुन के तो आप सॉफ्ट हो जाओगे मतलब लाइक इसका प्राइस था ओनली वन फिफ्टी रुपीज़ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इसकी मतलब जो लेदर वाला टेक्स्चर होता है उस टाइप का था और ये वाला फैब्रिक का शॉप है वन टंटी नाइन इस शॉप का नाम है सिमरन फैब्रिक्स यस गाइज ये मेरा नहीं है बट तो किसी और आंटी का है उसका नाम है सिमरन तो मैंने नहीं यहाँ पर आई थी तो मुझे पता चलता उन्होंने अपना शॉप का नाम बताया मैंने कहा ओ मई गॉड सिमरन तो मेरा भी नाम है तो ओके तो उसको छोड़ते हैं यहाँ पर आप आप देखो इस शॉप पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स फैब्रिक मिलेंगे और प्राइस वगैरह आपको लाइक सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड थाउजेंड इस टाइप की प्राइस होगी अगर आप ज़्यादा में लेते हो बल्क में तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ से लेकर आप बहुत ही हैवी आउटफिट बना सकते हो लाइक गाउन बहुत हैवी बना सकते हो लहंगा बनवा सकते हो अनारकली बनवा सकते हो इस टाइप की फैब्रिक लेकर आप ड्रेसेस बना सकते हो लाइक यहाँ पे इसका फैब्रिक आई थिंक एट हंड्रेड या नाइन इस टाइप का प्राइस था प्राइस मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव भी है यहाँ पे मतलब जैसे सस्ता तो मिलता ही मिलता है बट एक्सपेंसिव भी काफ़ी मिलते हैं तो अभी आपको लग रहा होगा तो कतरन मार्केट काफ़ी एडवांस हो चुका है इस तरह तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ही सिर्फ पचास और सौ वाले फैब्रिक ही मिलते हैं हर एक टाइप का फैब्रिक मिलता है तो अगर आप आते हो तो आप इस टाइप की चीज़ें देखने के लिए अगर आपको लेना है कुछ बनवाना है तो आप यहाँ पर आके ये चीज़ें ले सकते हो काफ़ी अच्छी कलेक्शन है बहुत ही प्रटी तो आप देखो और इन्जॉय करो यहाँ से फैब्रिक लेके आप काफ़ी अच्छे हैवी आउटफिट बनवा सकते हो मतलब लहंगे बनवा सकते हो अनारकली सूट बनवाना है बॉर्डर वाला सरारा कुछ बनवाना है सरारा सेट तो इस टाइप की सूट लेके बहुत अच्छा बना सकते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें बन सकती है ऐसे एक्सपेंसिव आउटफिट अगर आपको स्टिच करना आता होगा तो फिर तो वो प्लस पॉइंट है आपके लिए क्योंकि आपको सिर्फ फैब्रिक पर ही पैसे वेस्ट करने होंगे नहीं तो आपको किसी में पैसा नहीं लगेगा इसके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है जिनको स्टिच करना आता है उसके लिए कथरन मार्केट मतलब बहुत ही और जो इस लाइन में है मतलब लाइक बुटीक है जिनका उसके भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको थ्रेड भी मिल जाता है किलो के हिसाब से यहाँ पे आपको लास्टिक वगैरह भी काफ़ी मिल जाती है किलो के अकॉर्डिंग तो यहाँ आपको काफी सस्ता पड़ेगा वो चीज़ और यहाँ पे वो भी फैब्रिक मिल रही थी जिसमें जो अभी रिसेंटली नैनसी ना 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 त्यागी ने स्टाइल करा था जो आउटफिट सीलमपुर से, से वो सेम फैब्रिक यहाँ पर मिल रही थी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इस टाइप का बॉर्डर जो वैसे बाहर डब्बे में लेके बेचते हैं यहाँ पर कोई बीस रुपये मीटर कोई पचास रुपये मीटर इस टाइप का मिल जाता है यहाँ पे यहाँ पे आपको लेसिस वगैरह बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगा गाइस अगर आपको लेना है तो ये चीजें आप यहाँ पे आके ले सकते हो जैसे इस टाइप की एम्ब्रॉइडरी फैब्रिक कोई दो सौ रुपए मीटर था कोई ढाई सौ था इस टाइप की प्राइस रेंज थी तो अगर आपको लेना है तो आप ये चीजें ले सकते हो काफी अच्छी आउटफिट बन जाएगी सभी नवरात्रा आने वाला है तो अगर आपको अपने लिए नवमी पूजा के लिए किसी चीज़ के आउटफिट क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो इस टाइप का क्रूशिया वर्क वाला फैब्रिक भी था यहाँ पे ये यह हंड्रेड रुपीस मीटर था काफ़ी अच्छी ड्रेसेस इससे क्रिएट हो सकती है मार्केट में इस टाइप की ड्रेसेस काफ़ी महंगी मिलती है अगर आपको पता होगा तो काफ़ी ट्रेंडी भी है ये फैब्रिक कॉट सेट वगैरह बहुत सारा मिलता है इसी फैब्रिक पे क्रिएट किया हुआ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं फिर मैं आगे निकल गई थी फिर अभी फिर से मुझे एक शॉप मिलेगा जहाँ यहाँ पर मैंने टम्बलर वगैरह जो होते हैं तो वो देखा था मैंने तो ये वाले जो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये पिंक वाला और काफ़ी अच्छी प्राइस ंड्रेड like रुपीजी में मिल रहा था टम्बलर्स वगैरह इनके पास काफी अच्छे थे कलेक्शन और आपको हैंड वॉश वगैरह भी बहुत ही अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे दिख रहा होगा अंदर की साइड और भी चीजें हैं लाइक कप का पूरा सेट है बाउल का सेट है बहुत प्लेट का सेट है बहुत सारी चीजें हैं पहले ये चीज़ें कतर मार्केट में नहीं मिलती थी बट अब यहाँ पे बहुत चीजें मिलने लगी है अगर आप आ रहे हो अगर आपको शॉप करना है तो बहुत सारी चीजें लेके जाओगे ऐसा नहीं है किसी फैब्रिक ही लेके जाओगे जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि कतलन मार्केट अब मतलब हाई हो चुका है उसकी क्वालिटी हाई हो चुकी है तो वो चीज़ माइंड में रखना बस सोचना कि सस्ता मिलेगा सबसे कुछ ही तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता एक्सपेंसिव भी मिलती है चीज़ें यहाँ पर तो सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं होता है तो मैं आपको बताती हूँ पहले ही और ये शॉप भी मेरा फेवरेट है यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव आइटम मिल जाते हैं अपने लिए अगर आपको अपने कमरे के लिए अपने होम के लिए बेड शीट्स लेनी है कुशन कवर्स लेने हैं अच्छे अच्छे डोमेट्स लेने हैं ब्रांडेड मतलब लाइक होम सेंटर के एच होम के तो आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेगी बिल्कुल ही टैग लगा होता है इनके पास इतने अच्छे होते हैं प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी होती है गाइज अगर कतरन मार्केट आते हो तो इस शॉप पर जरूर आना अगर यहाँ आओगे तो आपको कुछ

वोट वाला वेडिंग के लिए मतलब जो आउटफिट्स होती है उस टाइप की और अगर आपको अपने लिए ले लेनी है तो इस टाइप की फैब्रिक बहुत चली हुई है अभी ये छोटे छोटे वाले बटरफ्लाई वाले इस टाइप की एम्ब्रॉडरी और ये सारा थ्रेड वर्क किया हुआ था गाइज़ अगर आपको लग रहा होगा कि मशीन वाला वो पेंट वाला वर्क है तो वो नहीं था वो बिल्कुल ही मतलब प्रॉपर थ्रेड वर्क था तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आके ये चीज़ें ले सकते हो मतलब तीन सौ रुपये मीटर चार सौ रुपये मीटर उस टाइप का प्राइस रेंज था उसका तो अगर आपको लेना है तो आप जाके ले लेना फटाफट से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी मिल जाती है जो पूरा एरिया है जहां मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरा एरिया मतलब लाइक वो जो डाई वाला फैब्रिक होता है उस टाइप की है और यहां पे आपको बहुत ही एक्सपेंसिव फैब्रिक मिलते हैं और बहुत ही अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले जिससे जिससे आप काफी महंगे आउटफिट क्रिएट कर सकते हो लाइक थर्टी थाउजेंड वाले आउटफिट इसके पास मतलब काफी अच्छे जो अविनाश मिश्रा डिजाइनर है उसके पास जो मिररल वर्क वाला जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है उस टाइप की फैब्रिक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी या बहुत ही अच्छे कलेक्शन होते हैं ज्यादा शॉप पे ऐसा होता है कि रिकॉर्ड करने के लिए नहीं देते बट फिर भी जितना हो पाता है मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे कि दिख रहा होगा कितना प्रटी फैब्रिक है इससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो लाइक ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हो प्लाजो हैवी सूट क्रिएट कर सकते हो अगर आपको गाउन बनवाना है एक्सपेंसिव मतलब लहंगा बनवाना है प्रटी सा बस आपका स्टिचिंग में जो पैसा लगेगा और जो आपको फैब्रिक में पैसा लगेगा बट ऐसा होता है कि आपको जो रेडीमेड आप परचेस करोगे उससे मतलब कम ही आपको खर्चा होगा ऐसा मतलब हो सकता है क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं इस टाइप के हेवी गाउन वगैरह अगर परचेस करने जाते हो बहुत ही एक्सपेंसिव डिजाइनर के ले रहे हो तो डबल एक्सपेंसिव होते हैं डबल या ट्रिपल एक्सपेंसिव और इनके पास इस टाइप की केप मिल रही थी जो काफी ट्रेंडी है अगर आपने देखा होगा तो पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला केप लाइक सिंपल सी साड़ी पहन लेते हैं की या सिंपल ड्रेस का इसको स्टाइल करके आप वेयर कर सकते हो इसको ऊपर से आप स्टाइल कर लो केप को सिंपल सी ड्रेस की में तो जान आ जाती है चार चांद लग जाता है बहुत ही होता है इसका प्राइस भी काफी अच्छा था इनके पास कल, कलर्स भी अवेलेबल थे बट ज्यादा कलर्स अवेलेबल नहीं था बट अगर आप आते हो तो इनके कलेक्शन चेंज होते रहते तो एक बार आप देख सकते हो अगर आपको अपना कौन सा कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो काफी प्रिटी लग रहा था मैंने अपने इस के ऊपर ही इसको स्टाइल करा था ऐसे ही डाल के देख लिया था कि कैसा लुक आ रहा ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि ये चीज क्या है इसको कैसे वेयर करना है तो क्या इसके नीचे मतलब लाइक अगर आपको अंदर में जो पहनना है वो आप सिंपल सी गाउन प्लेन बनवा लो या सिंपल लाइक प्लाजो के साथ भी अगर इसको साथ मतलब लाइक कुर्ता बना लो उसके ऊपर आप वेयर कर सकते हो मतलब हैवी लुक बन जाएगा आपका ड्रेस में मतलब लगेगा आपका ड्रेस हैवी है सिंपल से सीधा हैवी बन जाएगा तो सिंपल सी ड्रेप साड़ी में भी इसके ऊपर आप स्टाइल करोगे ब्लाउज के ऊपर तो काफी सुंदर लगता है काफी अच्छा कलेक्शन होता है फिर मैं यहाँ पे आ गई बेडशीट मुझे दूर से काफी अच्छी लगी बिल्कुल ही स्थेटिका सा प्रिंट था इसमें बहुत ही प्रटी तो मुझे काफी अच्छा लगा मैं ऐसे बेडशीट कभी लेने यहाँ पे आती नहीं हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जब शॉपिंग करने आती हूँ तो मैं घर की शॉपिंग करने लगती हूँ मतलब लाइक मैं चेंज हो जाती हूँ मैंने ये चीज आपको बताई यह पहले भी तो आपको पता होगा तो यहाँ पर मैं ये बेडशीट देख के रुक गई और इस बेडशीट का प्राइस है गाइज मैं आपको बता देती हूँ साइज इसकी किंग साइज है और इसमें दो लगे हुए हैं तो उसको आपको कट करवाना पड़ेगा दो बेडशीट इसमें लगे होते हैं यहाँ पे जोरे में मिलता है मतलब लाइक पेयर करके बेचते हैं इस पर आपको पिल्लो कवर भी स्टिच करानी होगी और आपको कट करवाना होगा दो बेडशीट एक में होते हैं पिल्लो कवर भी इजीली निकल जाएगा आपका इससे तो दो बेडशीट का प्राइस है फोर हंड्रेड रुपीज़ आंटी मतलब लाइक मुझे फाइव फिफ्टी या सिक्स हंड्रेड बोल रही थी बट मैंने इसे प्राइस लगवाया था तो उन्होंने दे दिया था वो कह रही थी मैं देती नहीं हूँ बट मैंने दे दिया था तो ओके मैंने ले भी लिया फिर मैंने बोला ले लेते ले हैं ले भाई ऐसा फिर मुझे क्योंकि मुझे बेडशीट काफी अच्छी थी फैब्रिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है तो मैं इसको बताना चाहूँगी आपको तो अगर आप आते हो तो यहाँ पे बेडशीट जरूर देखना क्योंकि यहाँ पे जो बेडशीट्स मिलते हैं ना जो आप नॉर्मली खरीदते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी उससे काफी अच्छा होता है क्योंकि सेम क्वालिटी सेम चीज़ मिलती है और प्राइस काफी कम होता है मैंने जैसे मिंत्रा पे भी मैं इस टाइप की बेडशीट्स खरीदती हूँ तो मुझे सिंगल बेडशीट लाइक नाइन फिफ्टी सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड इस टाइप का मिलता ही मिलता है और यहाँ पे कंफर्टर भी मिल रहे थे बहुत सारे डिजाइन थी कंफर्टर का प्राइस था फाइव हंड्रेड रुपीजी जैसे आपको दिख भी रहा होगा साइड में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छे बहुत अच्छे प्रिंट्स बहुत ही सुंदर सी चीज़ें थी बेडशीट्स भी काफी अच्छे अच्छे थे इनके पास इनके पास वेलवेट के भी बेडशीट्स वगैरह थे अगर आपको लेने जैसे विंटर पर काफी काम आता है देख सकते हो साइज भी दिख रहा होगा कितना प्रट्टी है पूरा किंग साइज ये है बड़ा वाला जो डबल बेड बोलते हैं वो साइज था बेड ट भी वही वाले सेम साइज की है और काफी प्राइस भी काफी अच्छा है और प्राइस इसका जो मैं ने जो बताया मैंने वही लिया क्योंकि मुझे लेना नहीं था इसलिए मैंने इसका प्राइस कुछ लगाया नहीं है बट अगर, अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे प्राइस रेंज वगैरह कर सकते हो तो मैंने वो वाली बेड ले ली थी वो वाला डन कर दिया था क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा तो उसका प्रिंट मुझे घर ला भी मुझे काफी अच्छा लगा मैंने अपने बेड पर भी छाया भी तो काफी पिटी लगा था उसका प्रिंट ही काफी पिटी पिटा क्यूट क्यूट सा था तो लेट्स गो चलते हैं देखते दूसरे शॉप पर यहाँ पे मुझे मिल रहे थे स्पोर्ट्स वा मतलब लाइक एच एन एम के काफी मतलब सुनो स्पोर्ट्स बड़ा मिल रहे थे किसी का प्राइस था पचास रुपए किसी का सौ रुपए यहाँ पेंटिस वगैरह भी थी पचास रुपए की एक बहुत ही प्रिटी है बहुत ही अच्छा अच्छा था यहाँ पे स्पोर्ट्स बड़ा देखो और एन्जॉय करो टाइप की सारी भी मिल जाएगी अगर आपको हैवी में सारी परचेस करनी है एम्ब्रॉयडरी वाली बहुत ही प्रटी लगता है ये वाला अगर आप इसको अच्छे से ब्लाउज इसके स्टिच करवा के अच्छे इसको वेयर करोगे बहुत ही प्री लगता है इसका प्राइस रेंज था टू था। थाउजेंड था। था। रुपीज कलर भी काफी सारे अवेलेबल है जैसे तो दिख भी रहा होगा तो अगर आपको परचेस करना है तो आपको इस टाइप की चीजें भी यहाँ मिल जाएगी बहुत ही प्रिटी मिल जाता है अगर आपको मेन्स वेयर में कुछ स्टिच करवाना है कि इस टाइप की मतलब आउटफिट क्रिएट करवाने तो यहाँ पे वो भी मिल जाता है फैब्रिक भी मिल जाएगा और आपकी आउटफिट भी बन जाएगी लेकिन स्टिच करने का भी यहाँ पे होता है तो आप वो भी करवा सकते हो यहाँ पे आपको टॉवल वेट के हिसाब से मिलता है थ्री हंड्रेड रुपीज पर

दो टॉबल मेरी सिस्टर ने परचेज करा था यहाँ से तो काफी सही मिल गया था फोर हंड्रेड का दो टॉब मिल गया था वो भी काफी बड़े साइज में और यहाँ पर लेसेस काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा और काफी डिजाइनर भी मिलते हैं जो आपको मूवीज वगैरह में दिखती है जो मतलब लाइक सेलिब्रिटी पहने रहते हैं नॉर्मल डिजाइनर जो सीरियल्स वगैरह में जो मिलती है काफी सीरियल्स चलते हैं तो उस टाइप की चीजें भी आपको यहाँ मिलेगी काफी प्रटि प्रटी जो मैंने सारे शेयर करने का ट्राई करा है लाइक लटकन वगैरह लेस वगैरह काफी अच्छे प्राइस में मिल जाता है इस वजह से यहाँ पे इतना लटकन के डिजाइन आपको बहुत ही प्रिटी मिलेगा आपको दिख भी रहा होगा प्राइस रेंज भी काफी अच्छी किसी का बीस रुपए जोरा है किसी का पचास रुपए किसी का सौ रुपए भी है डेढ़ सौ तक भी है प्राइस तो इस टाइप का प्राइस रेंज होता है बहुत इतने प्रिटी मिलते हैं इस शॉप पे इस शॉप पे मैं हमेशा आती ही आती हूँ काफी अच्छे कलेक्शन होते हैं कुछ कुछ लेस मैं आपको शेयर भी करूँगी और मैं दिखाऊंगी लाइक दस रुपए मीटर से स्टार्ट हो जाता है फिर सौ रुपए दो सौ रुपए तक जाता ही जाता है और आप अगर पूरा बंडल परचेस करते हो तो आपको थोड़ा मोटा डिस्काउंट तो मिल जाएगा लटकन देख लो कितने प्रटी प्रटी डिजाइन है लाइक कोई अस्सी रुपये का है कोई सौ रुपए का है कोई दो सौ रुपए का इस टाइप का प्राइस रेंज है तो अगर आपको लेना होगा इस टाइप की चीजें तो आपकी यहाँ पे आके परचेज कर सकते हो गाइस काफी अच्छी चीजें मिल जाती है कदर मार्केट में नो no डाउट बहुत ही चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते वो वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी बस ये है कि आपको एक इमेज अपने फोन पे लेके आना होगा जो आपको चीज चाहिए तभी आप यहाँ पे ले पाओगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या फैब्रिक ले क्या बनवाएं तो वो चीज़ आपको like, कर लेनी चाहिए लाइक माइंड सेट करके आना चाहिए कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है और ये चीज़ लेना है तो मुझे बस वो लेना है तो बाकी आप वैसे देख के ना बहुत ही कन्फ्यूज हो जाओगे अगर सब चीज़ देखने लगोगे तो ऐसा लग गया कि खड़ा के पैसे लगा मैंने तो कुछ लिया ही नहीं जो मैं लेने गई थी इस वजह से अगर कुछ रिफ्रेंस इमेजेस आपके पास हैं तो वो चीज़ रख रख लो फिर जाओ कतरन मार्केट वैसे आपको रेडीमेड में कुछ चाहिए तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन जो मैंने दिखाई भी यहाँ पे आपको फुटवेये ज्वेलरीज रेडीमेड कपड़े बॉटम्स के लिए कुछ चाहिए बहुत चीज़ें, बैट सीज़ें, बैट सीज़ें, के के चीज़ें। सारी चीज़ें बेडशीट्स आपके होम डेकोर के लिए आइटम चाहिए सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती है काफ़ी प्रटी कलेक्शन होते हैं बहुत ही प्रटी मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और मेरा गुजराती लेन वाला वीडियो कैसा लगा वो भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था मैं उस लोकेशन पर गई थी गुजराती लेन मतलब इतना प्रटी वाइफ था वहाँ का इतना ब्यूटीफुल मतलब लाइक कलरफुल कलरफुल पूरे तरफ भरा पड़ा था इतना लग रहा था घाघरा चोली मतलब ओ माय गॉड ऐसा लग रहा था सब खरीद लूँ इतना अच्छा लग रहा था मैं तो सोचती हूं कि लाइक गुजरात या अहमदाबाद इस टाइप की जगह पर जाऊंगी तो मतलब क्या क्या मतलब देखने को मिलेगा लाइक अभी जैसे इस टाइप में कोलकाता आप चले जाओ वहां पर भी कितना सुंदर वाइव होता है पंडाल लगे होते हैं इतने एक से एक पंडाल तो वो चीज़ मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ वो सब सारी चीजें डेली में भी सेलिब्रेट होता है बट उस टाइप से नहीं होता जैसे सब जगह होता है तो मैं भी जहाँ की हूँ मतलब लाइक बिहार की तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से मतलब दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है इतनी अच्छी मतलब लाइक वहाँ की फेमस है बड़ी दुर्गा अगर आपको पता होगा तो बहुत ही फेमस है और काफ़ी नाम है उनका काफ़ी श्रद्धा मतलब है उनके लिए बहुत ही अच्छा मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी जब मैं वहाँ पर रहती थी मतलब कलर्स उठा के लेके जाना विसर्जन के लिए ये सारी चीज़ें मैंने बहुत चीज़ें ये सब की है तो काफ़ी अच्छा लगता था वो टाइम मैं बहुत मिस करती हूँ जब से मैं डेली में शिफ्ट हो गई हूँ तो वो चीज़ मतलब होती है मुझे थोड़ा मिस होता है जब भी दुर्गा पूजा आता है तो ये चीज़ें काफ़ी मिस करती हूँ मैं तो आप भी बताना कि आप क्या क्या करते हो और क्या क्या इन्जॉय करते हो कैसे सेलिब्रेट करते हो दुर्गा पूजा मुझे तो काफ़ी मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जो एक होता है ना वो मुझे दुर्गा पूजा के लिए होता है देन उसके दिवाली के लिए बस मुझे ये दो पूजा इतना मतलब लाइक मेरे मतलब दिल के बिल्कुल ही पास जो बोलते हैं ना वो है तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है गाइज तो कल से पूजा स्टार्ट है तो मतलब मैं तो वेरी एक्साइटेड आप लोग को कैसा लग रहा है आप भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना तो ओके अगर आपको लटकन वगैरह परचेज़ करनी है गाइस तो यहाँ पर आ जाओ बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती है कतरन मार्केट में नो no डाउट मुझे तो काफ़ी पसंद है मतलब एक सरोजनी नगर मतलब ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कतरन मार्केट की प्राइस रेंज मुझे काफ़ी पसंद है यहाँ की चीज़ें भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है बहुत ही अच्छी तो आप बताना मेरे को कमेंट करके कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे तो सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे तो आपका मोस्ट फेवरेट क्या है वो चीज बता देख लो ये लेस अगर आप सिंपल सी साड़ी लेके उस पर पूरा साड़ी आपका जो लुक आएगा ना यहाँ पे सारे टाइप के हैं मतलब आपको में चाहिए लेसेस बहुत ही एक्सपेंसिव जो भी लेसेस आप दिखाओगे ना अपने ऑनलाइन मतलब फोन पे अगर कोई ला रहे हो तो उस टाइप की लेसेस ये निकाल के देंगे इनके पास इतने अच्छे कलेक्शन होते हैं ना लेसेस के ये शॉप तो मैं आती ही आती हूँ अगर मुझे लेसेस वगैरह की नीड होती है तो मैं यहाँ पे आती हूँ फिर एक ये भी शॉप है जहाँ पे बहुत ही अच्छी और इनके पास प्राइस कम होती है इनके बहुत अच्छे होते हैं लाइक like, फिफ्टी रुपीज़ ट्वेंटी रुपीज थर्टी रुपीज़ सेवेंटी रुपीज़ एटी रुपीज़ इस टाइप का प्राइस होता है काफ़ी अच्छे अच्छे लेसेस होते हैं इनके पास मतलब लाइक देख सकते हो वाइट वाले जो इस टाइप के होते हैं वो भी है बहुत अच्छे जो बॉर्डर्स होते हैं इनके पास काफ़ी अच्छे आप आप चाहो तो सूट में लगा लेते पाकिस्तानी सूट्स में ऐसे बॉर्डर्स होते हैं ना उस टाइप के बॉर्डर्स भी होते हैं इनके पास काफ़ी प्रटी प्रटी अभी आप आपको दिखेगा मुझे इतना सा इतना अच्छा दिखा था बट मेरे घर पर कोई है नहीं जिसको मैं गिफ्ट कर सकी हूँ वरना में ले लेती बट अगर आपके पास कोई है घर पे तो आप आप ले लो ये चीज़ मैं तो बोलूँगी इतना तो प्रटी और इसकी फैब्रिक की क्वालिटी इतनी अच्छी थी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी थोड़ी ही देर में इस वीडियो को जैसे ही आगे जाएगी तो अगर आपको लेना है आप ले लेना फटाफट से यहाँ पर लेसेस देख लो इसकी कितने प्रटी डिज़ाइन है जैसे जो मैंने बोला ना कि पाकिस्तानी सूट मिलती है उस टाइप की जो लेसेस लगी होती है वो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो उस टाइप की चीज़ें ऑनलाइन जो मिलती है काफ़ी सुंदर सुंदर अभी तो बहुत ही ट्रेंड में है लास्ट ईयर भी काफ़ी ट्रेंड में था अभी भी बहुत चल रहा है वो चीज़ वो वाली कुर्ती वगैरह सेट मैंने तो लास्ट ईयर अपने मतलब रक्षाबंधन ने परचेज करा था तो उसके बाद भी मैंने बहुत देखा है अभी भी वो मतलब ट्रेंड में ही है तो जिसकी मैं बात कर रही थी वो ये वाला फ्रॉक था गाइज ओ माई गॉड लुक एट दिस गाइज लुक एट दिस कितना प्रिटी सा फ्रॉक है इसका जो फैब्रिक की क्वालिटी थी ना मतलब छोटे बच्चे के लिए है ये अगर आपको कोई छोटा बहन या आपकी डॉटर है तो ले लो यहाँ से मैं तो बोलूँगी ओनली टू हंड्रेड रुपीज़ की है। इतना सा बो बना हुआ था बैक साइड पे भी बो बन जाएगा इतना पीछे रिबन बहुत बड़ा दे रखा था बहुत ही प्रति गाइस जाके ले लो और ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट कर बता दें लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मैं चैनल गाइस फटाफट सब्सक्राइब कर लो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मेरा वीडियो इन्जॉय करो टाटा